सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। rishto.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं, असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों गुंडों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां आए दिन चोरी, मारपीट और जानलेवा हमला करने की घटनाएं जैसे बढ़ते जा रही हैं, और ऐसे गुंडों और बदमाशों को मानो पुलिस का भी कोई डर नहीं। उल्लासनगर के नेहरू चौक के पास फर्नीचर बाजार स्थित एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी देने का मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है, जहां पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आइए जानते हैं दुकानदार रवि चिमनानी क्या बता रहे हैं। आपका नाम है? मेरा नाम रवि है, मेरा फर्नीचर बाजार में शॉप है। रहीम अंसारी करके मेरे पास एक बंदा काम कर रहा था दो दिन से, मैंने उसको काम पे से निकाल दिया क्योंकि वो गांजा पी रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया, गांजा यहाँ पे मत पी। तो उतने में उससे मगजमारी कर दी मेरे पापा के साथ, तो मैंने उसके बाद उसको काम से निकाल दिया, बोला तो काम पे मत आना कल से। फिर वो कल आया मेरे पास सुबह काम पे, तो मैंने उसको बोला मेरे को काम नहीं करने का, जैसे काम नहीं करवाना है, तो बोला मेरे को मेरा पैसा दो। तो मैंने बोला मेरे पास अभी नहीं है पैसे, तो शाम को 7:30 आ, तो अपने पैसे लेके जा आके। तो 7:30 ही नहीं थे, 5 बजे उसने मेरे को आया, सीधा फ़ोन दिया हाथ में, बोला ये ले तेरे फ़ोन, ले तेरे बाप लोग से बात कर। तो मोंटी करके है कोई बंदा, वो मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, मोंटी करके बोला तेरा बाप है, ले बात कर ले तेरे बाप लोग से। तो मैंने उसका फ़ोन उठाया, तो उसने मेरे को बोला तेरा बाप बोल रहा हूँ, मोंटी पहचाना क्या? मैं बोला कौन मोंटी, मैं नहीं पहचानता हूँ तुम लोग को। तो उतने में उसने बोला रुक, तेरे को बस 10 मिनट रुक जा, तेरे को सब पता पड़ जाएगा मोंटी कौन है। मेरे को जान मारने की धमकी दी वो लोगों ने, और आए भी थे उसके बंदे लोग, मैं पुलिस चौकी में था, बस इतना मैं रख रही हूँ उसके फ़ोन, बस रुक जा, तेरे को मैं अभी बताता हूँ 10 मिनट में। फिर उतने में कोई काका करके मेरे को फ़ोन आया था उसका, उसी के फ़ोन पे हरिमन सिगाड़ी के नाम से। तो टाका ने मेरे को बोला कि भाई रुक, अभी तेरे को 10 मिनट में तेरा मर्डर करते बंदे लेके आया था वो। मैं उस समय पुलिस चौकी भाग गया, पुलिस चौकी भागा तो मेरे पीछे वो लोग आए थे हथियार लेके, उनका सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा जब भी है। मेरे को रिक्वेस्ट है कि भाई उनको पकड़ा जाए कैसे ना कैसे करके, मेरे को जानने का मारने का वो लोगों ने धमकी दी है, बोले तुम लोग मर्डर कर दूंगा तुम लोग का, तुम ध्यान दो उसके ऊपर। पुलिस से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको पकड़ो कैसे ना कैसे करके। वही रवि के दर्ज शिकायत पर उल्लासनगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप फूल पगारे जी क्या बता रहे हैं। दिनांक 6 जनवरी 2023 को नेहरू चौक परिसर फर्नीचर मार्केट में रवि चिमनानी करके व्यापारी है, उनके दुकान में एक रहीम अंसारी करके बंदा काम कर रहा था, उसको काम से निकाला तो ये गुस्सा मन में पकड़ के, एक हैबिचुअल ऑफेंडर है सुनील टका करके, उसने पहले फ़ोन पे धमकाया रवि चिमनानी को, और बाद में उसके दुकान में जाके उसको जान से मारने की धमकी दी। इस सिलसिले में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ़, दोनों के खिलाफ 504 और 506 के तहत मामला दर्ज है, और दोनों को अरेस्ट किया गया है, तीनों पुलिस हिरासत में 3 दिन तक। इसमें एक टक्का नाम का लड़का है, उसकी क्या गुनहगारी पार्श्वभूमि है? सुनील 2018 में मर्डर केस में अरेस्ट हुआ था, उसके पहले भी उसके खिलाफ 2-4 मामले सीरियस ऑफेंस दर्ज है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।